इसमें जो सनलाइट है उसको रिड्यूस करने के लिए। ये देख रहे हैं ना पहाड़ के अंदर से कुछ डिफरेंस आ रहा है, क्या लाइट आ रहा है, इसीलिए कहते हैं ना कि जो गैस है। कौन सा स्ट्रक्चर है इसका? रेडी कोली मुझे भी बेटा इवन थोड़ी हो गया है बन लाइट का ये हुई आंदा ही ज्यादा लग गया। फोन पर ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं काफ़ी। ये तो ऑटोमेटिक नहीं है, अदरवाइज आजकल तो सारे ऑटोमेटिक हो गए, एडजस्ट कर लेते हैं, सेंसर बेस्ड हो गए हैं, बहुत एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी। जितनी चाहिए रेनफॉल उतने ऑटोमेट हो जाते हैं वो सेंस करके, फिर उसके बाद जो जब ऊपर से पूरा मैनेज कर सकते तो वो रेन का ही काम करता है। हाँ, ओवरहेड स्प्रिंकलर्स वगैरह भी होते हैं इसमें, तो कुछ नहीं है ना सर। वैसे जब ऊपर से रेनफॉल होती होगी फिर ये तो इंटेंसिटी भी कम करती होगी, इसके अंदर तो बहुत कम होता होगा। हाँ, डायरेक्ट इंपैक्ट जो है ना, मैं तो कह रहा हूँ मैं अभी इरोजन का जो रन ड्रॉप इरोजन है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता है, तो उसको एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी सारे बड़े अच्छे से फंक्शन है इसके। मैं कब समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से कि क्या है, इट अलाउज टू कम द लाइट बट डू नॉट अलाउ टू हीट डिफरेंट हीट, क्योंकि डेंजरस है प्लांट्स के लिए ओवर हीटिंग। लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए नेट हाउस का प्रॉपर हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये देखो इन्होंने ये क्या लगाया हुआ है, मुझे साइंटिफिक नेम चाहिए, मुझे पंजाबी हिंदी में नहीं चाहिए, क्या है उनको, क्या बोलते हैं, क्या है मैंगो ट्री? मैंगो का क्या होता है? मैंगो, हाँ मैंगो रोस्ट हो, वो तो ठीक है। ये जो होते हैं नर्सरी ट्रे, ट्रे है ना ये ट्रे, इससे भी अच्छा आजकल मैम मैंने देखा है लोगों को कहना भी शुरू कर दो और वो जो है उसका यूज करो, फिर यूज करेंगे ना हम अंदर, तो फिर तो ये सही नहीं। ट्रे वाला हो जाएगा सर, ट्रे वाला बायो, वो ये ट्रे ही है बट इट्स वो जो आप बोल रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल ट्रे, एग वाला हो जाता है, एग वाला वो इटसेल्फ उसकी कुछ न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज ही होती है, वो बहुत अच्छा कमी होगी, बहुत अच्छा होता है, मैंने देखा था इसके अंदर में। पराली पराली तो ठीक है, जिस मशीन से इसको इन्होंने किया है ये साइंटिफिक, ये जो क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशर, नहीं सर वो मैं कंबाइन किसको काम क्या बोलते हैं एक्चुअली, रीपर बाइंडर होती है, रीपर जो होता है ना, रीपर जो कट करता है वो बाइंड के साथ बाइंड करने का काम करता है, रीपर बाइंडर। यूज करना एग्रीकल्चर वाला का काम, ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स बनाना, इनकी ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, दुनिया भर के मैन डेवलप करना, वो आपका काम है। मतलब ट्रांसपरेशन जो उसकी लीफ की इससे होता है ना, ट्रांसपरेशन मैंने पढ़ाया था, ये यहाँ से होता है इसका, इसका रोल जब 10-15% होता है, तो आप सोचो अगर इवेपोरेशन को आप रोक दो, वाटर कंजप्शन होता है केवल आप 5-10%, मतलब आपने अगर 1 लीटर वाटर दिया और आपका अगर 100-150 ml बस वाटर लॉस हो रहा है वो ऑलरेडी कंजर्व, तब कितना वाटर लेस वाटर में फार्मिंग कर सकते हैं, और यही होती प्रसाइज जिसको कहते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इसीलिए इसका यूज़ करते हैं मल्च का एक। और दूसरा काम तो है कि वीड्स ग्रो नहीं होती है, वीड्स देखो इधर ही ग्रो हो रहा है, यहाँ नहीं ग्रो हो रहा है, क्योंकि क्या एक एस्टिमेट कहता है डेटा कि वीड्स प्लेन्स और वीड्स जो होते हैं, तो मैं आपका 70-90 आई डोंट नो एग्जैक्ट डेटा, कितने परसेंट न्यूट्रिएंट तो वीड्स ही ले लेते हैं, तो वो आपके न्यूट्रिएंट आप जितने चाहिए वो डायरेक्टली प्लांट्स के मिलेंगे जो आपके मेजर क्रॉप है उसके, उसके लिए इसका यूज़ करते हैं ना, क्या मल्चिंग ड्रिप बिछी होती है ना, ड्रिप, ये ड्रिप लाइन है, दिख रही है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, समझते हो, ये रहा सर, ये रहा लाइन,
तुम लोग ही बताओ इरिगेशन पढ़ाया हूँ मैंने, ढूंढो ना क्रिंद वो वाली ड्रिप बेची बताओ। सर ऑनलाइन है, है? ऑनलाइन है, इनलाइन तो अंदर इनसाइड होगी। ये ड्रिपर जब ऊपर लगा होता आपने देखा, ड्रिपर होता है एक, ड्रिपर्स जो ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर ऊपर लगा है बाहर तो उसके बोलते हैं ऑनलाइन, लाइन के ऊपर ऑन ऑनलाइन। इसमें अंदर ही ड्रिपर है, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप अंदर से ही इसके जो हमारी लेटरल्स है इसके बोलते हैं लेटरल लाइंस ना, पढ़ाया शायद याद होगा थोड़ा बहुत, है ना? कल पढ़ाया था मैंने, वो तो ड्रेनेज था उसमें आपने, हाँ उसमें लेटरल्स बताया था मैंने। तो ये लेटरल्स हैं तो लेटरल के अंदर ये ड्रिपर लगा हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं इन लाइन, लाइन के इन, तो इन लाइन ड्रिपर्स है। फिर इसका सारा हमें डायमेंशन पता होता है, इसकी डायमेंशन होगी टेबल में, उसका यूज़ करके इसे हम निकाल लेते हैं कि कितना फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ वाटर, यहाँ से ना फ्लो ऑफ वाटर निकाल सकते हो। ये क्या है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर, इसका कितना प्रेशर है पाइप में इससे निकाल लोगे। ये क्या है, वेंचुरी मीटर, देख लो अच्छे से कभी वेंचुरी मीटर पर। ये तो ना सर, इसका ये तो स्पेसिफिक है, ये तो बड़ा है वो फर्क नहीं पड़ता ना, ये इतना ही मेजर करके बता देगा सारी चीज़, क्योंकि ये तो एच यहाँ पर डेवलप, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ एच इधर डेवलप होगा ना, उससे मतलब नहीं होगा सारा कुछ करने के लिए, सबसे बड़ा सा मतलब नहीं। आप ऐसे इसका ये मतलब होगा कि आपको इतने सारे का फ्लो मेजर करना कितना बड़ा है। पानी तो सर इतने बड़े में फ्लो आ रहा वो तो सा, ये तो और स्मॉल चैनल हो गए यहाँ पे, ठीक है ना, बट प्रेशर तो डेवलप होगा उतना ही जितना प्रेशर होगा, प्रेशर से एच डेवलप होगा ना, नहीं होता।